नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, गणित विषय लेकर हम प्रस्तुत हैं। आज प्रश्न संग्रह 36 में दिए हुए प्रश्नों को हम हल करेंगे और उसका उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है 3x-11y में से घटाना है 17x-13y। ये ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला व्यंजक 3x-11y प्लस नहीं बल्कि माइनस है, इसको घटाना है। यहाँ घटाने की संक्रिया बताई गई 17x+13y। घटाने की संक्रिया में जो नीचे का व्यंजक होता है उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। धन है यहाँ ऋण कर दिया, धन है यहाँ ऋण कर दिया। 17x में से 3x को घटाना है तो 17x में से 3x घटा तो हो गया 14x। और ये क्योंकि ये धनात्मक संख्या है और इसका चिन्ह हमने बदल दिया है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, इसीलिए घट जाएगा। 17x में से 3x घट गया 14x। और यहाँ हमने चिन्ह बदला, ये ऋणात्मक संख्या 13y और 11y भी ऋणात्मक संख्या, तो दोनों ऋणात्मक संख्या होने से ये दोनों जुड़ेगा 24y। इसको इस प्रकार लिख लेंगे 214 14x 14x और 12 2 24 24y, इस प्रकार से लिख लेंगे। दूसरा है 23x-2y-3z गुणा करना है 15x-3y-2। पहले गुणांकों का गुणा करेंगे उसके बाद चरांकों का गुणा करेंगे। 23 × 15 x कितनी बार, x 2 बार और यहाँ पर x 3 बार, तो कुल x 5 बार होगा। यहाँ पर y तीन बार है और y 1 बार है तो y कुल 4 बार होगा। z 1 बार और z 2 बार, z 3 बार होगा, z 3 बार। 23 × 15 गुणा करने पर 3 × 45 x = 5 y = 4 z = 3। तीसरा प्रश्न 4×(1/2)/(9/2) = 9/2। ये हमको प्रश्न दिया गया है, इसमें 1/2 का विलोपन करना है, तो जो विलोपन होगा वो दोनों पक्षों में होगा। 4×(1/2)/(1/2)/(9/2)/(1/2)/(1/2) निकल गया, 9 में से 8 गए 8/2। और यहाँ पर 4 से भाग दे दिया इसको, यहाँ पे 4 से भाग दे दिया 4/2, तो 4/2 का यहाँ भाग दिया तो हो गया 4 4x = 4 तो यहाँ पे 4 का भाग देंगे और यहाँ भी 4 का भाग देंगे, 4 से 4 कट गया, 4×4 = 1। दूसरा सवाल 10/2y-5 10×5/2y-5×5, क्योंकि यहाँ 5 का विलोपन करना है इसलिए दोनों पक्षों में 5 को घटाया, 2y = 5, 2y/2 और 5/2। अभी अगला प्रश्न है इसका तीसरा, 5m-4/1 = 1। 5m क्योंकि यहाँ पे 4 का विलोपन करना है, 5m-4 = 1 5m = 5, 4 में से 4 घट गया, 4 और 1 5, 5m/5, 5 में से 5 गए 1 और ये 5 से 5 कट गया, 5×5 ये हो गया m बराबर। चौथा सवाल 6x-1 = 3x-8 6x-1 = 3x, क्योंकि यह 3x को जो दाहिनी तरफ जो ये व्यंजक है पद है इसका विलोपन करना है, तो दोनों तरफ हम 3x को घटाएंगे दोनों पक्षों में, 3x-8 × 3x 3x-1 = 8, 3x-1 = 8 क्योंकि यहाँ पे 1 का विलोपन करना है, तो दोनों तरफ हम 1 है तो 1 करेंगे, 1 विलोपन हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, 8 में 1 जुड़ेगा, 8×1=9 यहाँ हो गया 3x = 9, तो 3 से दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3×3=9x = 3 हो गया। अगला सवाल है चौथा 2x-8 = 4x-2 अब यहाँ पे 2x-8 × 2x 2x का विलोपन करना, 4x-2x 2x इस 2x का विलोपन करना है कि धनात्मक संख्या है इसी 2x 8 = 2x-2 अभी 2x में विलोपन हो गया, तो यहाँ पर 4x में से 2x निकल गया बचा 2x और यहाँ 2 है, अभी 2 का विलोपन करना है
ऋण आठ करना है, धन दो का विलोपन करने के लिए दोनों पक्षों में ऋण दो किया, ऋण दो ऋण आठ बराबर ऋण दस बराबर दो यक्स, ऋण यक्स बराबर दो पचे दस, दोनों तरफ पाँच का दो का भाग दिया, दो का भाग देंगे दो, यहाँ पे कट गया दो पचे दस और यक्स बराबर ऋण पाँच। अगला सवाल है छठा, पाँच एक धन एक बराबर चौहत्तर, तो पाँच एक्स ये हो गया, पाँच एक कम पाँच, पाँच एक धन पाँच बराबर चौहत्तर, पाँच एक धन पाँच यहाँ धन पाँच का विलोपन करना है, चौहत्तर दोनों तरफ पाँच घटा देंगे, 69 बटे पाँच और पाँच से पाँच भाग दिया, एक्स बराबर 69। अब प्रश्न इस प्रकार करना है, माना सानिया की आयु एक्स वर्ष है तो राकेश की आयु एक्स ऋण पाँच, यानी राकेश की आयु जितनी सानिया की आयु से पाँच वर्ष कम है और दोनों की आयु का योगफल 27 वर्ष है। समीकरण इस प्रकार बनेगा, एक्स एक्स यानी सानिया की आयु और धन उसमें जोड़ेंगे एक्स ऋण पाँच राकेश की आयु, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 27 वर्ष, तो यक्स और यक्स दो यक्स ऋण पाँच, अभी यहाँ पर ऋण पाँच बराबर 27 वर्ष, यक्स का विलोपन करना है, ऋण पाँच का विलोपन करना है, ऋण पाँच का विलोपन करेंगे तो ये ऋणात्मक संख्या है धनात्मक संख्या रखेंगे, यहाँ पे दो यक्स ऋण पाँच धन पाँच बराबर 27 धन पाँच, तो 27 और पाँच जोड़ देंगे 32 बटा दो, दो यक्स का दो यक्स दो से भाग देने पर 32 तो यक्स बराबर 16, तो सानिया की आयु हो गई 16 वर्ष और राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 वर्ष कम है तो घटा दिया, तो राकेश की आयु हो गई 11 वर्ष। समीकरण इस प्रकार बना, तो हमारा प्रश्न सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए, राकेश की सानिया की आयु 16 वर्ष तो राकेश की आयु 11 वर्ष, दोनों को जोड़ देने पर बराबर 27 वर्ष यहाँ प्रश्न में ही दिया हुआ है। पाँचवा प्रश्न इस प्रकार है, अशोक के पेड़ जितने हैं, अशोक के पेड़ की संख्या माना यक्स है, जामुन के वृक्षों की संख्या उससे 60 अधिक है और दोनों प्रकार के वृक्षों की संख्या 200 है। समीकरण इस प्रकार बनेगा, यक्स अशोक की वृक्षों की संख्या धन उसमें क्या जोड़ना है यक्स धन 60, ये जामुन के वृक्षों की संख्या है और दोनों को जोड़ने पर 200 होता है, अशोक के वृक्ष और ये जामुन के वृक्ष दोनों को जोड़ दिया, यक्स यक्स दो यक्स धन 60 बराबर 200। समीकरण को हल करेंगे, यहाँ 60 का विलोपन करना, समीकरण को हल करते हुए 60 यहाँ पे ऋण 60 इधर भी ऋण 60 करेंगे 140, दो यक्स बराबर 140, अब दो से दो को कट गया 140 दो का भी 70, यक्स बराबर 70, इसका मतलब अशोक के वृक्षों की संख्या 70, अशोक के वृक्षों की संख्या 70 हो गई, जामुन के वृक्ष उससे 60 अधिक हैं, 70 में 60 जोड़ देंगे 130, दोनों प्रकार की वृक्षों की संख्या 200 है। प्रश्नानुसार अशोक के वृक्षों की संख्या और जामुन के वृक्षों की संख्या या अशोक के वृक्ष हैं या जामुन के वृक्ष हैं दोनों पर जोड़ने पर 200 होता है। छठा प्रश्न, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है, 50 रुपये के नोटों की कीमत 50 गुणी यक्स बराबर 50 यक्स, 20 रुपये के नोटों की संख्या 20 नोटों की संख्या 2 यक्स है, ये 50 की जो नोट है उसके दुगुने हैं तो उसका दुगुना 2 यक्स बराबर 2 यक्स, 20 रुपये के नोटों की कीमत 20 गुणे 2 यक्स बराबर 40 यक्स, दोनों प्रकार के नोटों की कीमत कितनी है 2700 रुपये। समीकरण बनेगा 50 यक्स धन 40 यक्स, ये 50 यक्स और धन 40 यक्स इधर देखो बराबर 2700, अब इसको हल करेंगे 50 यक्स धन 40 यक्स 90 यक्स बराबर 2700, 90 से 90 कट गया और 90 से 27 भाग गया 30, यक्स बराबर 30, यानी 50 के नोटों की संख्या कितनी है 30 है और 20 के नोटों की संख्या 2 यक्स यानी उसकी दुगुनी है, तो 30 गुणे 2 बराबर 60, 20 के नोटों की संख्या 60, 50 के नोटों की संख्या 30, प्रश्नानुसार 50 के नोटों की कीमत 50 रुपये की नोटों की कीमत 30 गुणे 50 बराबर 1500, 20 रुपये के नोटों की कीमत 60 गुणे 20 बराबर 1200 और दोनों को जोड़ने पर 2700 होता है। रोहित के रनों की संख्या यक्स है, विराट के रनों की संख्या उसका दुगुना है, दोनों द्वारा बनाए गए रन 198 हैं और समीकरण बनता है यक्स ये रोहित के रनों की संख्या है और विराट के रनों की संख्या उसका दुगुना है और दोनों का रनों का योगफल 198 है, तो 2x यक्स और 2x जोड़ने पर 3x, 3x बराबर 198, 3x में से 3 से भाग दिया तो और यहाँ पे 198 में भी 3 से भाग दिया तो यक्स बराबर 66 यानी रोहित के रनों की संख्या 66 है और विराट के रनों की संख्या उसकी दुगुनी है, 66 गुणे 2 132 हो गया, ये किसका हो गया विराट के रनों की संख्या, प्रश्नानुसार 66 हो गया रोहित के रनों की संख्या और 132 हो गया विराट के रनों की संख्या और दोनों को जोड़ने पर 198 हो